हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महिंद्रता। सबसे पहले आपको आपके परिवार को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और मंगलमय हो। देखो, मैंने आपको बताया है कि कुछ मेरी फैमिली में मेडिकल एक्सीजेंसीज चल रही हैं। अभी अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, रात भर सोया नहीं हूँ। तो मेरे को कुछ अपडेट देनी थी जो रात को आई थी 11-12 बजे, वो मैं नहीं दे पाया ड्यूटी क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, 5:05 या 10 मिनट पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वीडियो आपको 7:30 से 8 के बीच में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में जो जो मैं बताने वाला हूँ वो रात की न्यूज़ है और एडवांस बुकिंग जो मैं बताऊँगा वो सुबह 5 बजे की है। पर एडवांस बुकिंग से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो चीज़ जो आप थंबनेल देखकर आए हैं ना कि भाई भूल भुलैया 3 को और सिंघम अगेन को सऊदी अरेबिया में बैन कर दिया गया है। वो रीज़न क्या है वो बताऊँगा और वो कहाँ से आया है। पिंक विला की रिपोर्ट है, आप जाओ गूगल के ऊपर अवेलेबल है, पिंक विला के पेज पे जाओ, आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांस बुकिंग कितनी हुई है और उसके बाद हम बात करेंगे क्यों बैन किया गया है सऊदी अरेबिया में दोनों ही फिल्म्स को। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, सिंघम अगेन की टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है 1,82,692 शोज हैं इसके पास, 11,632 और जो एडवांस है 5.93 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 6 करोड़ के आसपास है, 7 लाख रुपए कम है बस। सिंघम अगेन अगर भूल भुलैया के ऊपर आऊँ, शोज है इसके पास 8,667, टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं 2,28,755 और एडवांस है इसका 7.36 करोड़। ग्रेट अचीवमेंट बाय बोथ फिल्म्स। और जो भूल भुलैया 3 है वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, इतनी उम्मीद किसने भी नहीं करी थी जो भूल भुलैया 3 कर रही है। मज़ा आने वाला है। देखो, आज भी साउथ की फिल्म्स रिलीज हो रही हैं, कल भाई बॉलीवुड की दोनों फिल्में रिलीज हो रही हैं और जो मेरे साथ चल रहा है इस वक्त अस्पताल, घर घर अस्पताल चल रहा है। देखते हैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा भाई आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा, ज़रूर रिव्यू ज़रूर आएंगे। थोड़ा सा लेट सवेल हो सकते हैं पर जेन्युइन आएगा। आपका सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे रहा, इसका मतलब ये कभी नहीं होने वाला कि किसका फेवरिज्म करेंगे, जो होगा जेन्युइन होगा। अब बात करते हैं कि बैन क्यों किया गया है। देखो, सिंघम अगेन को बैन करने का रीज़न है सऊदी अरेबिया के अंदर। पहले मैं आपको बता दूं, हर देश का अपना CBFC होता है, सेंट्रल जो बोलते हैं ना अपना सर्टिफिकेशन होता है फिल्म का, जैसे हिंदुस्तान का अलग होता है, अगर हॉलीवुड की फिल्म इंडिया में रिलीज़ होती है उसका अलग होता है, हमारी फिल्म किसी और देश में जाती है तो वहाँ पर उनका अपने हिसाब से वो सर्टिफिकेशन करते हैं। तो सऊदी अरेबिया ने इन दोनों फिल्मों को बैन किया है। क्यों किया है? सिंघम अगेन के अंदर कुछ रिलीजियस कंटेंट है, जैसे कि हिंदू मुसलमान वाला एंगल दिखाया गया है जो कि रोहित शेट्टी की फिल्मों में होता है। आपने देखा होगा भाई सूर्यवंशी में भी था, पर रोहित शेट्टी जो है ना बहुत स्मार्ट डायरेक्टर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो मेकअप करके चलते हैं, कभी भी वो हिंदुस्तान की एकता को भंग नहीं होने देते, वो ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ की चीज़ों को बराबर लेकर चलते हैं। तो मतलब सऊदी अरेबिया में सिंघम अगेन रिलीज नहीं होगी, पर टेंशन की बात है भूल भुलैया 3 के लिए। भूल भुलैया 3 सऊदी अरेबिया में रिलीज तो नहीं हो रही है, उसका रीज़न पता क्या है कि कार्तिक आर्यन के करेक्टर में कुछ होमोसेक्सुअल क्या होता है, सम लैगिंगता रेफरेंसेस है, उस वजह से सऊदी अरेबिया में इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जा रहा। अब अगर ये एंगल ज़्यादा होगा तो यहाँ पर नेगेटिविटी झेलनी पड़ सकती है इंडिया के अंदर भी, जब इसके फर्स्ट रिव्यू निकल कर आएंगे ना तो ये एंगल देखते हैं कितना बड़े और लार्ज स्केल पर दिखाया गया है जो कि सऊदी अरेबिया में बैन किया गया है। देखेंगे जब हम फिल्म तो ही पता लगेगा। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आपको भी देखना हो तो जाकर देख सकते हो। फिर बता दूं जो एडवांस बुकिंग है सुबह 5 बजे तक की है और ये दोनों चीज़ें मुझे बतानी थी, उसका रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है तभी उसको सऊदी अरेबिया में बैन किया गया है और ये जो है होमोसेक्सुअल रेफरेंसेस हैं कार्तिक आर्यन के करेक्टर में। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, पिंक विला की रिपोर्ट है, देखना हो तो जाकर देख सकते हैं। बाकी आपका सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और आगे वाले वीडियो का वेट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।